4.2 गतियों के ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ मोशन। अब तक हमने औसत चाल और वेग की बात की है, पर क्या हम किसी वस्तु की ताक्षणिक चाल अथवा वेग पता कर सकते हैं? आइए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। अपूर्वा के घर से विद्यालय तक की यात्रा के आंकड़े सारणी क्रमांक 3 में दिए गए हुए हैं। अपने ग्राफ कागज पर एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी रखें और उनके पैमाने तय करें। पैमाने को ग्राफ के ऊपर दाएं कोने पर लिख लें। अब इन आंकड़ों के अनुसार बिंदु अंकित करें। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल पैमाने की सहायता से खींचें। यह ग्राफ अपूर्वा के घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है। याद रखें, यह बनाया गया ग्राफ और इस अध्याय के आगे के सारे ग्राफ तय की गई दूरी व समय के ग्राफ हैं, ना कि यात्रा के रास्ते के। अब इस ग्राफ से बताएं, अपूर्वा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की? अपूर्वा ने दूसरे 2 मिनट में कितनी दूरी तय की? अपूर्वा ने 10 से 12 मिनट में कितनी दूरी तय की? क्या ये सभी दूरियां बराबर हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है, और ऐसी गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। घर से विद्यालय तक पहुंचने में अपूर्वा की चाल क्या थी? ग्राफ से यह कैसे ज्ञात होगी, समझते हैं। ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 4 में एक बिंदु A लें। बिंदु A से x अक्ष के समानांतर एक रेखा AB तथा बिंदु B से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें, जो बिंदु C पर मिलती है और इस प्रकार एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर रेखा AB समयांतराल T2-T1 को बताता है, जबकि रेखा BC दूरी S2-S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2-T1 समय में S2-S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। V बराबर S2-S1 बटे T2-T1। यदि हमें किसी क्षण वस्तु की चाल क्या है जानना हो तो हम उस बिंदु पर ग्राफ की ढाल नापकर यह पता कर सकते हैं।